inside. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. अच्छे होंगे। तो आज ही मंडे और आज मुझे परी को लेकर जाना था वैक्सीनेशन के लिए, लेकिन परी मैडम जब जाना था उसी टाइम पे सो गए, इस वजह से रह गया जाना। तो अभी गुरुवार को जाना पड़ेगा और आज अभी नहा रहे। अभी बज चुके हैं 10:30, अभी बज चुके 10:30 और आज रात को लेट जाना है थोड़ा सा, इसलिए फिर आज के पास टाइम था तो फिर थोड़े बहुत घर के कुछ काम करने थे तो वो कर लिए, मतलब कि ऐसे था कुछ काम वो। और कल हमने बनाए थे गुलाब जामुन, तो कल मैंने पूरे दिन ब्लॉग शूट ही नहीं कर पाई, तो थोड़े बहुत क्लिप्स शूट की परी की कुछ, और ये गुलाब जामुन राज ने बनाए थे, तो मस्त गुलाब जामुन की रेसिपी शूट की है। तो राज ने बनाई थी, मुझे आती नहीं गुलाब जामुन बनाना क्योंकि मुझसे एक बार बिगड़ गए थे, मतलब कि वो ना इसे पिघल गए थे, इस वजह से उसके बाद मैंने कभी ट्राई नहीं किए क्योंकि तो मुझे नुकसान करना अच्छा नहीं लगता। अगर हमें नहीं जम रहा है तो नेक्स्ट टाइम ट्राई मत करो क्योंकि वो हर बार भी घटता रहता है, क्योंकि वो सामान का नुकसान होता है, मुझे पसंद नहीं। इसलिए मैं राज के कब से पीछे पड़ी थी कि आप बना दो और फाइनली उसका कल मुहूर्त लग के कल बन गए। तो आप उसकी रेसिपी देखिए, तब तक मैं थोड़ी बहुत काम कर लेती हूँ परी सोई तब तक, और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। और मैंने ना सुबह हमारी एक बार चाय हुई, लेकिन फिर से चाय रखी है क्योंकि राज को चाय पीने का मन हो रहा था, इसलिए तो राज और मैं परी सोई मस्त चाय इंजॉय करेंगे राज नहाने पर आने के बाद। तब तक आप गुलाब जामुन की रेसिपी देखिए, फिर उसके बाद में आपसे। तो यहाँ पे सबसे पहले राज ने पानी रखा है गैस पर गर्म करने के लिए पतीले में, और उसमें डाल रही 3 मीडियम साइज की कप था, उस 3 कप शुगर, तो इसको अच्छे से अभी मिक्स कर लेंगे जिससे कि वो शुगर सिरप बनता रहे। और यहाँ पे राज ने लिया गिट्स का गुलाब जामुन बनाने का वो पैकेट रहता है प्रीमिक्स वो, और आधी वाटी मतलब कि आधा कप दूध लेंगे। तो ना मैं इसमें आपको कुछ टिप्स भी दूंगी क्योंकि मैंने राज को पूरी तरह से देखा बनाते टाइम, इस वजह से मैंने देखे कि कुछ टिप्स देने लायक है, तो इसीलिए। तो शुगर सिरप में राज ने डाली इलायची पाउडर 1 चम्मच, जिससे कि शुगर सिरप में टेस्ट बहुत अच्छी आती है, तो ये टिप नंबर 1। टिप नंबर 2, आटा लगाते टाइम आपको बहुत ज़्यादा कड़क नहीं लगाना होता है, जैसे कि आप लोगों को दिखेगा अभी राज को लगाते टाइम। मैंने बहुत सारे वीडियो देखे जिसमें ऐसा दिखाया कि जैसे हम आटे का डो लगाते उस टाइप में लगाए थे, लेकिन आप देखेंगे अभी राज ने कैसा लगाया आटा, तो पूरे आधी कप राज ने दूध डाल दिया उसमें, और देखिए उंगलियों से कुछ इस तरह से मैश कर रहे जिससे कि वो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। और उससे होता ये है कि जब हम गुलाब जामुन बनाते हैं ना तो उसके अंदर तक पूरा ये शुगर सिरप जाता है, जैसे कि हमारे ये रहते रसगुल्ले कैसे रहते कि वो अगर हम दबाते तो उसमें का पूरा रस निकलता उस टाइप में। तो इसमें राज ने फिर से 2 से 3 चम्मच दूध डाला था पहला आधे कप डालने के बाद भी, तो कुछ इस तरह से राज ये इसका क्या बोलते बैटर आटा लगा रहे। तो ये देखिए राज ने बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं किया है और बहुत ज़्यादा ये नहीं रखा है, मतलब उसको क्या बोलते घट नहीं किया है, उसको थोड़ा सा ऑयल लगा के प्रेस कर लिया है, और ये देखिए वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है आटा देखिए। तो मुझे उल्टा उस टाइम पे लग रहा था कि इसके कैसे बनेंगे, लेकिन बहुत अच्छे बने थे, और छोटी छोटी लोइया बना ली है, बहुत ही ज़्यादा छोटी, क्योंकि वो ना जब हम फ्राई करते उस टाइम पे भी फूले, और जब शुगर सिरप में डाले ना उस टाइम पे भी फूले, तो जो नॉर्मल रहती ना उतने बड़े हो गए थे वो, इतनी छोटी छोटी लोइया के। तो अभी राज ने हाथ में तेल लगा लिया, और उससे पहले राज ने प्लेट में भी ऑयल लगा के रखा था जिससे कि वो वहाँ पे चिपके नहीं, और एकदम छोटे छोटे से ऐसे गोल गोल लड्डू बनाकर रख रहे साइड में। तो जैसे मैंने कहा टिप नंबर 1 थी कि इलायची पाउडर डाली शुगर सिरप में जिससे कि टेस्ट अच्छी आती है, टिप नंबर 2 कि आटा इस तरह से लगाइए क्योंकि अगर हम कड़क लगाते हैं ना तो वो अंदर तक ये जाता ही नहीं शुगर सिरप। मैंने बहुत सारे खाए वो ना अंदर हार्ड रहता है और बाहर से थोड़ा सा सॉफ्ट रहता है, तो इसीलिए आप ऐसा करके देखिए। तो एक तरफ मैंने गैस पे तेल भी रख दिया था गर्म होने के लिए, और आज ने सारे गुलाब जामुन बना भी लिए थे सारे मतलब आधे, और छोटी छोटी लुइया बना रहे थे।
तो आप भी इन टिप्स को फॉलो कीजिए, बहुत अच्छे गुलाब जामुन बनेंगे आपको। ये पूरी की पूरे हम जब बाहर जाके खाते हैं ना होटल में रेस्टोरेंट में, सेम वैसे गुलाब जामुन बने थे। मतलब अगर उसको दबाते हैं ना तो पूरा का पूरा जूस निकल जाएगा, जैसे कि हम जिस मैंने कहा रसगुल्ले का होता है उस तरह से। तो ये देखिए यहाँ पे प्लेट में राइड ने सारे बना के रखे और एक डालकर देखा, तो ये देखा। और अभी आप देखेंगे कि कैसे तड़क तड़क सब ऊपर आएंगे गुलाब जाम। तो जब तक वो बन रहे थे तब तक राज ने वो देखे कैसे पटक 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 ऊपर आ रहे, मैंने भी एडिट करते टाइम देखा। सही ना। तो गुलाब जामुन को आपको हिलाते रहना होता है मीडियम फ्लेम पे। तो ऑयल भी मैंने मीडियम फ्लेम पे ही गर्म किया था जिससे कि वो जल ना जाए गुलाब जामुन डालते ही। तो पहले वाले हमने बनाकर निकाल लिए तो शूट नहीं हुआ, और ये दूसरे वाले डाल रहे। तो ये देखिए मीडियम फ्लेम पे गैस रखना है, कंटिन्यूसली हिलाते रहना है। 6 से 7 मिनट में आपके गुलाब जामुन अच्छे से हो जाएंगे, अंदर तक पकेंगे। लेकिन आपको कंटिन्यूसली हिलाना है जिससे कि कलर एक साइड से डार्क एक साइड से लाइट ना रहे, इसीलिए। तो ये देखिए राज कंटिन्यू हिलाते रह रहे थे। तो गुलाब जामुन अभी काफ़ी हद तक हो चुके हैं। तो आप भी इन टिप्स को फॉलो करके देखिए, आपके गुलाब जामुन भी एकदम रेस्टोरेंट टाइप बनेंगे। बहुत ही टेस्टी बने थे, मतलब कि नेक्स्ट लेवल थे। तो ये देखिए राज चम्मच से हिला रहे थे, क्योंकि आपको चम्मच से मतलब ऐसे कोई छोटी सी चीज़ से हिलाना चाहिए, ऐसे बड़ा सा कुछ जैसे हम झारा वगैरह लेते ना उससे नहीं हिलाना चाहिए, उससे क्या होता है ना टूट जाते गुलाब जाम हो गए ऐसे कुछ हो जाता है इसीलिए। तो यहाँ पे गुलाब जाम को बहुत अच्छे से सब तरफ से एक जैसा कलर आ गया है, ये देखिए। तो राज भाई देख रहे थे कि कलर आया है कि नहीं, और गुलाब जाम बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे, बहुत मज़ा आया खाने में। और आपने देखा होगा कितनी छोटी छोटी लोइयाँ बनाई थी उसके, देखिए आप कितने बड़े बड़े बन गए। तो ये देखिए है ना कलर, देखिए कितना सही और कितने मस्त लग रहे हैं ना देखने में, ऐसे जैसे कि वो हमारे मराठी में बोर बोलते उस तरह से दिख रहे बड़े बड़े। तो ये हमारे गुलाब जामुन के रेडी हो चुके हैं। शुगर सिरप भी एक तरफ बन गया था, तो शुगर सिरप ना राज ने आधे से थोड़ा ऊपर तक टॉप बनने तक उसको अच्छे से बनने दिया था। और ये देखिए यहाँ पे मैंने कांच के बाउल में शुगर सिरप और उसमें गरम गरम आपको गुलाब जामुन डालने होते हैं, जिससे क्या होता है ना कि वो जल्दी से पूरा जो शुगर सिरप होता है ना वो सोख कर लेता है। तो हमने गरम गरम ही डाले थे, और आपको मैं बाद में भी दिखाती हूँ कि जब वो फूल जाते तो कितने बड़े दिखे है। तो ये जब मैंने डाले थे ये तब का है। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये गुलाब जामुन की रेसिपी कैसी लगी। तो ये इंस्टेंट वाले बहुत अच्छे रहते हैं वैसे, नॉट बैड, फटाफट बन जाता है। तो यहाँ पे मैं अभी इसको ढककर रख दूँगी, क्योंकि तुरंत खाने में जो मज़ा है उतना ही मज़ा बाद में खाने में भी, क्योंकि उसका अंदर तक रस जाता है इसीलिए। तो यहाँ पे अभी गुलाब जाम बहुत अच्छे से बन गए 2 से 3 घंटे के बाद। यहाँ पे मैंने देखे तो ये देखिए गुलाब जाम कितने बड़े बड़े दिख रहे, देखिए मैं नीचे से भी दिखाने की कोशिश कर रहे थे। तो मस्त गुलाब जाम बन चुके, मैंने तो राह नहीं देखी जा रही थी, फिर भी मैंने 2 घंटे वेट किया, पहले 2-3 टेस्ट कर लिए थे फिर भी। तो ये देखिए आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको राज की गुलाब जाम की रेसिपी कैसी लगी, और आपको खाने का मन हुआ कि नहीं हुआ। तो हम 2-3 दिन तक मस्त खाने वाले अब ये गुलाब जाम। तो यहाँ पे मेरी मैडम की चल रही थी मस्ती, वो बार बार बाहर जाओ अंदर आओ बाहर जाओ अंदर आओ ये कर रही थी। तो ये देखिए ये अभी उसको ये हो गया, पकड़ पकड़ बोला कि वो बाहर अंदर करते, और राज मोबाइल में कुछ कर रहे थे तो राज के साथ मस्ती कर रही थी वो वहाँ पे। हे गाइस, तो अभी बज चुके हैं 11:30, राज जा चुके पर अभी तक सोई है तो अच्छा है। और मेरे काफ़ी काम हो चुके हैं, कपड़े भिगो के रखे धोना बाकी, और आज सुबह नाश्ते में मैंने बनाया थी, मैंने नीराज ने बनाई थी अंडा भुर्जी और पाव ब्रेड ब्रेड जो, तो वही हमने नाश्ता कर लिया। और खाना पता नहीं, तो मैंने अंडा भुर्जी थोड़ी सी है तो मैं वही खाऊंगी, और बाद में फिर देखूंगी अगर कुछ भूख लगी तो बनाऊंगी। आज थोड़ा सा हल्का फुल्का सा कुछ भी मन चाहे खाना बनने वाला है, तो बाद में भूख लगी तो कुछ बना के खाऊंगी ऐसा कुछ, तो देखते। और काम भी अभी हो गया, घर साफ करना था, सब उठा उठा के रखना था, वो सब कर लिया, तो बस वही। और क्या, हाँ मुझे परी का भी वैक्सीनेशन ना, मेरा जब मैंने परी को 9 मंथ में वैक्सीनेशन दिया था ना, उस टाइम पे विटामिन देना बाकी था, तो वो देना बाकी है। और अभी परी को 16 महीना भी लग जाएगा 7 तारीख से, तो फिर मैं सोचूँ 16 महीने का, और
ये दोनों साथ में ही कर लूँ, तो मैं बोल के देखूंगी अब, देखते वो लोग करते कि नहीं करते। तो बस वही अभी गुरुवार को जाना है, तो परेशानी नहीं होती तो आज ही हो जाता, लेकिन ठीक है अभी। और हाँ, आप लोगों ने गुलाब जामुन की रेसिपी देखी क्या, कैसी लगी आपको बताना। और कल से मैं, मुझे ना आदत है, मैं जो भी नई चीज़ बनाती हूँ ना मैं स्टेटस में रखती हूँ, तो मुझे इतने कमेंट आ रही है कि तेरी मज़े है, तो ये बना के खा रही, वो बना के खाती है। तो हाँ, मैं मेरे मज़े है सच में, मतलब मुझे पसंद है, जो मन में हमें लगता है वो हम बना कर खाते हैं, ऐसा नहीं मन मार के नहीं जीते, क्योंकि हम कमाते किस लिए, खाने के लिए, जो मन चाहता है वो खाओ। लोग बोलते हैं, मतलब कुछ लोग बोलते हैं जीने के लिए खाना चाहिए, कुछ लोग बोलते खाने के लिए जीना चाहिए। मुझे लगता है खाने के लिए जीना चाहिए, क्योंकि अगर आप जीने के लिए खाओगे तो आप फिर कंजूसी कर कर के बस ऐसे खाओगे, उससे अच्छा अगर आप खाने के लिए जियोगे तो आपके पास कितने वैरायटीज रहेगी, उससे आपकी लाइफ और ऐसी ये रहेगी ना, और ये खाना है कल, ये खाना है कल, मतलब आप जीते रहोगे कल की खुशी में, या आज ये खाई इस खुशी में, तो इसलिए खाते रहना चाहिए। तो मस्त गुलाब जामुन बना के खाए थे मैंने, और बहुत टेस्टी बने थे, और आज मस्त बनाए थे। और पता है उसका जो ये था ना शुगर सिरप, वो पूरा अंदर तक गया था, मतलब वो गुलाब जामुन के, तो बहुत टेस्टी लग रहे थे, मज़ा आ गया खाने में। तो बस वही, तो चलिए आज ना मैंने हेयर वॉश किया, एक्चुअली मैंने सैटरडे को भी नहीं किया था, कल संडे को भी नहीं किया, तो आज सुबह कर लिया, फिर हो गया मेरा टाइम, आज लेट गए ना, तो इसलिए मेरा हो गया। तो परी सोई तब तक जितने हो सके उतने सूख जाएंगे बाल, तो इसलिए मैंने आज खोल के रखे, तो देखते। तो चलिए मैं आपको मिलती थोड़ी देर के बाद। तो यहाँ मैंने परी का सारे लग के लिए दाल चावल वो सब भिगो के सुबह धोकर सूखने के लिए रखा था, और अभी काफ़ी अच्छे से सूख गया है, जैसे कि देखिए हाथ में लग नहीं रहा, तो इसको एकदम कड़क सुखाना होता है, मतलब कि एकदम अच्छे से, जिससे कि वो जल्दी ख़राब नहीं हो, इसलिए। तो अभी मैं इसको लेकर जाऊंगी और इसको ड्राई रोस्ट करूंगी, तो रोस्ट करते टाइम भी हिलाते रहना चाहिए, जिससे कि वो जले नहीं, तो मीडियम फ्लेम पे वो मैं अच्छे से फ्राई कर लूंगी। तो ये रखी कढ़ाई, और अभी मैं फटाफट उसको ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ। ये गाइस, तो अभी बज चुके 12:30, और अभी तक मैंने लंच में कुछ नहीं बनाया, क्योंकि जैसे मैंने कहा भुर्जी है तो वही मैं खाऊंगी, तो इसीलिए, और मेरा हो जाएगा मैनेज। और हाँ, पिछले हफ्ते मैंने लास्ट ब्लॉग गुरुवार को किया था, उसके बाद अब तक मतलब कि संडे तक नहीं किया, और आज मंडे आज करूँ, तो पता नहीं कि वैसे मन नहीं हो रहा था ब्लॉग करने का, कुछ छोटी छोटी क्लिप शूट किए लेकिन ब्लॉग नहीं किया। और उस बीच में मैंने एक बार कचौरी बनाई थी, तो उसका वीडियो भी आपके पास जल्दी ही आएगा, देखते कब होता है पॉसिबल, आपके साथ शेयर करना। और आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरे रेसिपीज़ के वीडियोस पसंद आते हैं क्या नहीं। अगर आपको रेसिपीज़ के वीडियोस पसंद आते हो तो मैं हर हफ्ते एक एटलीस्ट राज की रेसिपी शेयर करने की कोशिश करूँगी, मतलब कि होटल स्टाइल, क्योंकि राज जैसे आप लोगों को पता है शेफ है, तो उस अकॉर्डिंग, तो वो मैं शेयर करने की कोशिश करूँगी। परी अभी उठ चुकी है, परी आगे टीवी देख रही है, तब तक मैंने सोचा कि कपड़े हो सके तो फोल्ड कर दूँ और आपसे बातें करूँ। और परी का मैंने ये सारे लग बनाने के लिए रख दिया है, तो सुबह मैंने भिगो धो के रखा था, फिर अभी तक वो सूख गया, और अभी मैंने उसको रखा है रोस्ट होने के लिए। तो चलिए मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद, परी भी चिल्ला रही तो उसको देखती हूँ, और उसके बाद में आपसे। हे गाइस, तो अभी बज चुके हैं 3, और परी की इतनी मस्ती चल रही है कि पूछे मत, उसने पर्स कैप वगैरह पहनी, उसको अभी कैप पहना बहुत पसंद आ रहा है, 2 दिन से देख रही हूँ मैं, उसको बहुत मजा आ रहा है, पर्स लेके घूम रही है, तो मैं आपको दिखा दूँ। परी, हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। ये बाबू घूम 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 घूम। और खाना मेरा अभी तक कुछ नहीं हुआ, मैंने कुछ खाना वाना नहीं बनाया आज, तो बस वही मैं सोच रही हूँ ब्लॉग का मैं यही पे कर दूँ। तो आई होप आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye go. Bye bye. Ja to firela. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Par ekdam na safar chal lagi safar chal.
कश्मीर की कली लग रही है। बाय 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 बाय, गो 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 गो, बाय बाय।